हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे आलू पराठा। इसके लिए पहले आटे में नमक डाल के मैंने आटे को गूंद लिया है और आलू को भी उबाल के ऐसे मसल लिया है। अब इसके अंदर हरी मिर्च, अदरक, कटी हुई प्याज, कोरिएंडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम रोटी चपाती बना के इसके अंदर ऐसे उसकी फिलिंग डाल के इसको वापस बेल लेंगे। इसको हल्के हाथों से ही बेलना है। ये हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख लेंगे। थोड़ा सा सीख जाने के बाद ऑयल लगा लेंगे और फिर वापस इसको 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो तैयार है हमारा आलू पराठा। इसको आप दही या ग्रीन चटनी या कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं।